हाय गाइस, आज है सैटरडे एंड आज है मेहर को हॉलीडे एंड हमने सोचा आज व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, ए डे इन माय लाइफ आपके साथ शेयर कर लेते हैं। बट ए डे इन माय लाइफ पूरा दिन मैं आपके लोगों के साथ एक व्लॉग में नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी जो सुबह उठते स्टार्ट हो जाता है। तो आज है मेहर को हॉलीडे, तो मेहर को मिला है होमवर्क, तो चलो मेहर को होमवर्क करवाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एंड मिलते हैं आपको 2 मिनट के अंदर, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेहर कर रही है अपना होमवर्क स्टार्ट, बट मेहर को तो मिला है दूसरा होमवर्क, तो मेहर की बुक्स निकालते हैं। चलो मेहर की बुक्स निकालते हैं हम लोग, ठीक है। पहले हम लाइट ऑन कर लेते हैं, अच्छे से लाइट आएगी फिर। ये है गाइस मेहर की ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग जो उसने अपने हाथों से बनाई। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं हाथ इसके। ये है मेहर की डॉल्स। अभी हम मेहर की कॉपीज निकाल लेते हैं, नोटबुक्स जिसपे वो होमवर्क करेगी। चलो बैठ जाओ। ज्योमेट्री बॉक्स है, मेहर गाइस जब तक अपना होमवर्क स्टार्ट कर रही है तो मैं इसको होमवर्क स्टार्ट करवा देती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। होमवर्क आया है मेरे फोन के ऊपर, तो मैं पहले अपना होमवर्क देख लेती हूँ मेहर का। Hi guys, I'm in the channel. Baba kaafi gayi ho ya. Oh, wo log dai karne hai. Okay? Okay, ke 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 like bhi karna hai. Ha na ke ke ya. Hi guys, okay. Chana baat kar lete. Bye. Iski faltu baatein sun lo. Seedhe baitho. Hi guys, my channel. Baba kaafi gayi. गाइस अभी मेहर का होमवर्क कंप्लीट हो चुका है एंड हम दोनों सोच रहे हैं कि हम आज करेंगे कुछ मस्ती टाइप, तो खाना पीना एंड मस्ती बस यही। एंड मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है किचन का, मैंने सारा काम फिनिश ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है। एंड अभी मैं फ्री होके इसको होमवर्क करवा रही थी, होमवर्क करवाने के बाद अब मैं फ्री हूँ एंड उसके बाद देखते हैं अभी हमें क्या करना है। मेहर इज़ वेरी नॉटी नॉटी बच्चा। गाइस अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को शेयर कर देना। गाइस इस टाइम मेहर का खेलने का टाइम होता है एंड ये कभी भी आज तक खेलने के लिए बाहर नहीं गई है, कभी भी ये बच्चों के साथ नहीं खेली बाहर जाके, क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह चलता है तो हम इसको अंदर ही रखते हैं। ये अंदर ही बहुत खुश रहती है, बाहर जाना इसको बाहर जाने का मन होता ही नहीं है, ये अंदर ही बहुत खुश रहती है। एंड कभी कभार इसको घूमना होता है तो इसके पापा इसको ले जाते हैं, तो बाकी ये घर में ही रहती है सारा दिन। एंड ये इसी बेडरूम में बस खेलती है सारा दिन, अपना होमवर्क करती है, पढ़ती है, फिर जब ये थक जाती है तो सो जाती है एंड उठ के फिर ये खेलती है, अपना कुछ खाती पीती है, बस यही इसका रूटीन है। हाय गाइस,
ये रहे मेहर के सारे टॉयज। थोड़े से यहाँ पे रख रखे हैं इसने, ऐसे इसको मैनेज करके रखा हुआ है टॉयज को, और आधे से ज़्यादा इसकी अलमीरा में रहते हैं। गाइस आज मैंने नहाने के बाद सिर्फ स्किन केयर किया है, मैंने घर पे कोई मेकअप वगैरह नहीं लगाती हूँ एंड मुझे घर पे मेकअप लगाना पसंद भी नहीं है। मैं सिर्फ वीडियो जब ट्यूटोरियल शूट करती हूँ ना, मेकअप ट्यूटोरियल शूट करती हूँ तभी मेकअप लगाती हूँ, उसके बाद मैं मेकअप को क्लीन कर देती हूँ। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्किन केयर करना पसंद है क्योंकि स्किन को सांस भी आनी चाहिए, अगर हम हर वक्त मेकअप लगा के रखेंगे तो स्किन को सांस नहीं आती है, तो स्किन को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्किन केयर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सो मैं वही करती हूँ घर के घर में, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लिप बाम पसंद है, स्किन केयर करना पसंद है, और मैं मेकअप में सिर्फ क्रीम ब्लश होता है ना बस, घर पे मैं वही यूज़ करती हूँ। वो जो ब्लू हेवन का नया ब्लश लॉन्च हुआ था ना, बस वही मैं यूज़ करती हूँ। एंड फिलहाल आज मैंने वो भी नहीं लगाया है क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मैं काम कर रही थी तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था। अब तो मैंने सोचा जब अगर मैं मेकअप ट्यूटोरियल शूट करूँगी तो फिर ज़रूर करूँगी, बट अभी मेरे हेयर्स थोड़े ऑयली हो गए हैं तो मुझे स्पा लेना था, तो मैं स्पा लेने गई थी बट सलोन बंद हो चुका था, तो मैंने सोचा कि चलो अभी मेरे बाल भी ऑयली हो रखे हैं तो मैं कल जाऊँगी, तो कल भी मैं व्लॉग वहाँ शूट करूँगी आपके साथ, वो भी शेयर करूँगी कि कैसे वहाँ जाकर क्या क्या सलोन में कैसे स्पा करते हैं या हेयर वॉश हेड वॉश कैसे करते हैं, सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। गाइस अभी मैं आ गई हूँ किचन में, आप लोगों को बैकग्राउंड से पता चल ही रहा होगा। गाइस ये हमारी न्यू फ्रिज, मैंने दोबारा ब्लॉग शूट ही नहीं किया था तो मैं आपको बता ही नहीं पाई, नहीं अपडेट कुछ कर ही नहीं पाई कि घर में कुछ नया अपडेट आया है या कुछ किया है नया। तो ये न्यू फ्रिज है, अंदर से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इसमें मैनेज करने के लिए सामान बहुत ज़्यादा बॉक्सेस बने हुए हैं, एंड मुझे सबसे अच्छी इसकी यही बात लगी। तो अभी मैं आई थी किचन में कुछ पेट पूजा करने के लिए, तो मैं पिज़्ज़ा गर्म करने वाली थी तो मैंने सोचा चलो ये एक क्लिप ले लेती। अभी मैं इसे गरम करने वाली हूँ, ये गरम करने के बाद ना बिल्कुल वैसा ही हो जाता है और इतना क्रिस्पी इतना टेस्टी लगता है कि पूछो मत। पिज़्ज़ा डाल दिया यहाँ तवे पे, ऊपर रख दिए प्लेट ताकि वो जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए, एंड गरम करने के बाद गाइस मैं आपसे मिल। गाइस इस पे मैंने डाल लिए थोड़े से ऑर्गेनो मसाले एंड चिली फ्लेक्स भी डाल दिए हैं, एंड अब हमारी पेट पूजा करने के लिए सामान रेडी है तो हम चलते हैं अंदर। हाय गाइस यही था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड जो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट करना कमेंट सेक्शन में कि अगर नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों को चाहिए तो फिर कमेंट करके मुझे बता देना। ओके बाय फ्रेंड, टिल देन बाय।